फ्रेंड्स एक इंटरव्यू में पूछ लिया कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है, तो फ्रेंड्स उस स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया सुनिए। फ्रेंड्स उसने कहा कि जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज ऐसे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे जाता है। तो उसने ये वेवफॉर्म बना के दिखाई और उसने ये कहा कि जो चिड़िया होती है वो इधर बैठी हुई होती है, वो चिड़िया इधर बैठी हुई होती है, इसीलिए ठीक है उनको करंट नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी ज़्यादा फनी उसका आंसर था, ठीक है, क्योंकि पता नहीं उसको किसने बताया था ऐसा कि वोल्टेज ऐसे ऊपर जाता है नीचे जाता है और चिड़िया यहाँ बैठी हुई होती है। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इसके पीछे तीन रीज़न होते हैं कि चिड़ियों को करंट क्यों नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है, इसके पीछे तीन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है कि सर्किट कंप्लीट नहीं होना, यानी क्लोज पाथ नहीं होना सर्किट का, इसीलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण भी पक्षियों को करंट नहीं लगता है। और थर्ड होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसीलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये तीन रीज़न है, अपन तीनों रीज़न को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला रीज़न अपन समझते हैं कि क्लोज पाथ, अगर यानी सर्किट ही क्लोज नहीं होगा तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, इसीलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि ये है, ये एक पक्षी है, ठीक है, अब ये देखिए गॉगल लगा के बैठा हुआ है ये, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मज़े ले रहा है, ठीक है, क्यों मज़े ले रहा है ये, क्योंकि आपको पता है कि देखिए ये अपना एक कंडक्टर है, अब ये इस कंडक्टर के ऊपर बैठा है तब भी इसको करंट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसका सर्किट ही ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि बस ये इसी में बैठा है कि नहीं। अब देखिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, मान लो ये दोनों फेज वायर हैं, ठीक है, अब अगर ये पक्षी एक पैर अपना इधर रखेगा और दूसरा पैर अगर अपन अपना इधर इस वायर में रख देगा, एक पैर ये इधर रखेगा और दूसरा इधर लगेगा, तब इसको करंट लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये सिंगल वायर में बैठा होगा तो इसको करंट नहीं लगेगा। यानी मान लो ये फेस वायर है, फेस वायर में इसका एक पैर है, ठीक है, और दूसरा वायर, मान लो दूसरा भी फेस वायर में आ गया या अर्थ में आ गया या न्यूट्रल में आ गया, तब सर्किट कंप्लीट होगा, तब इसको करंट लगेगा। लेकिन अगर ये सिंगल वायर में बैठा हुआ है, ठीक है, तब इसको करंट नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको अपन और अच्छे से समझ लेते हैं एक दूसरे फोटो के थ्रू। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ये अपना फेस है और ये न्यूट्रल है, ये एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, मान लो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ठीक है, अब एक पक्षी यहाँ बैठा है, एक पक्षी इधर बैठा है, ठीक है, तो यहाँ से जो अपना करंट गया, वोल्टेज गया यहाँ से, ठीक है, वो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सर्किट तो एक कंप्लीट है लेकिन इस पक्षी से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है इसके, ठीक है, इसमें करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके पैर हैं, ठीक है, एक ही कंडक्टर में रखा हुआ है, ठीक है, हाँ, अगर ये एक पैर उठा के अपना इधर रख देगा, मान लो एक पैर इसका यहाँ हो गया इस पक्षी का और दूसरा पैर इसका इधर हो गया, तब इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, तब इसको शॉक लगेगा। लेकिन अगर ये एक ही कंडक्टर पर बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई दूसरा पक्षी भी इधर बैठा हुआ है, ठीक है, तब भी सर्किट क्लोज नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए इनको करंट नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को अब क्लियर हो गया है कि अगर क्लोज सर्किट क्लोज नहीं होगा, ठीक है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, इसीलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। ये फर्स्ट रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स ये भी होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, किसका पोटेंशियल डिफरेंस, पक्षियों के पैरों का, ठीक है, जिस कंडक्टर में बैठे होते हैं ना, ठीक है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही, यानी ना के बराबर होता है बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए भी पक्षियों को करंट नहीं लगता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसीलिए भी पक्षियों को करंट नहीं लगता है। और फ्रेंड्स
थर्ड इसका रीजन ये है, ये है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आपको पता है अगर रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो करंट फ्लो नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट फ्लो नहीं होता है। अब किसका रेजिस्टेंस? ये इस पक्षी का रेजिस्टेंस, ठीक है, इस पक्षी का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा पक्षियों के पैर थोड़ा सा अलग टाइप के बने होते हैं, अलग टाइप का डिज़ाइन उसका रहता है, ठीक है, प्लास्टिक टाइप का आपको यानी समझ में आता है, ठीक है, इसीलिए भी उनको करंट नहीं लगता है। यानी भगवान ने उनके पैर को ही इस तरीके से बनाया है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आपको पता है रेजिस्टेंस अगर हाई होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये तीन रीज़न ऐसे हैं कि पक्षियों को करंट नहीं लगता है। पहला मैंने क्या बताया था कि सर्किट अपना क्लोज नहीं होता है इसीलिए भी करंट नहीं लगता है। दूसरा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। दूसरा थर्ड हो गया अपना ये हो गया कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो फ्रेंड्स अब कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि जो ये वेवफॉर्म मैंने आपको बना के दिखाई है ना, एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो बातें थी, ठीक है, उस स्टूडेंट की जिसने कहा था, बहुत ही फनी उसने आंसर दिया था इसका कि पक्षी यहाँ बैठे होते हैं, वेवफॉर्म ऐसी जाती है, नीचे जाती है, तो पक्षी यहाँ बैठे होते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में एक इम्पॉर्टेंट यानी कई सारी इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, उनको भी ज़रूर चेकआउट करना कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन को देखकर आप कैसे पता कर सकते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी की है, यानी कितना वोल्टेज उससे फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट हैं वो सारी, तो ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, ठीक है, इस वाले प्लेलिस्ट को अब ज़रूर वॉच करना क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोग से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।